हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और देख सकते हो गाइस पीछे का नज़ारा कितना अच्छा। हम और पतिदेव सुबह सुबह टहलने जा रहे हैं, ज़्यादा मोटे हैं हमारे, खाते पीते घर से है ना, इसलिए लोग टहले आवे है ना, टहलना चाहिए, जरूरी है सुबह। हाँ सुबह सुबह जरूरी है, ताज़ा हवा लेना। तो ताज़ा हवा लेने जा रहे हैं, सही है। तो बन जाना ऐसे ब्लॉग में, लास्ट तक दिखाते हैं तुम लोगों को, ठीक है? बताइए। सो गाइस, एक लड़का कमेंट कर रहा था कि दीदी मतलब आप, मेरा आपसे मिलने का सपना था, मेरा सपना अधूरा रह गया, आपने शादी कर ली, आप शादी करके चली गई। एक लड़की भी दीदी कमेंट कर रही थी, मतलब अच्छी दीदी थी, वो जी कह रही थी कि वैष्णवी हमें तुमसे मिलना है, कहाँ आना पड़ेगा, मेरी शादी कहीं दूर नहीं हुई है, बधाइयों से। आप लोग पता कर लेना, लखनपुर बदायूं से जो लखनपुर है वहीं शादी हुई है और उसी रोड पे है। आप लोगों को पहले बदायूं से बहुत अंदर जाना पड़ता था, 12 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था बदायूं से, लेकिन अब आप लोगों को 12 किलोमीटर अंदर नहीं जाना। कितना लखनपुर बदायूं से? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है, अरे तुम्हारा 7 किलोमीटर बचा दो मैंने, 7 किलोमीटर जाओ करते तेल फूक के, अब सिर्फ 5 किलोमीटर बदायूं से। कुछ लोग गलत जगह पहुंच जाते, बेला डाली पहुंच जाते, बेला डाली पहुंच जाते। अब लखनपुर एक ही लखनपुर है, तब आप लोग अगर मिलना है तो लखनपुर आ सकते हैं। हम लोग एक दो दिन में मतलब लखनपुर पहुंचेंगे, है ना, जब भी पहुंचेंगे आपको अपडेट कर देंगे। आप लोग जिसको मिलना है लखनपुर में मिल सकते हैं आके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और लखनपुर ही है मेरी ससुराल। और हाँ, एक बात और पूछ रहे थे कि जे इनकी कौन सी कास्ट है, हम लोगों की सेम कास्ट है, ऐसा मत समझो यार, गलत समझ रहे हो कि हम लखनपुर में कुर्मी रहते हैं, पटेली रहते हैं। हाँ, लखनपुर में पटेली है सर। तो लखनपुर शादी हुई, ज्यादा दूर कहीं नहीं है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, हमारा गांव हमारा घर है ना। बाधाए अगर पूछोगे ना कि वैष्णवी की ससुराल कौन सी है, तो मिल जाएगी आप लोगों को वैष्णवी ससुराल। बहुत बहुत धन्यवाद। देख लो गाइस कितना बढ़िया नजारा है यहाँ का, रोड का, इधर से हम आए। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो रहा है। आप लोगों की कैसी मॉर्निंग जा रही है सुबह को बताना, हमारी तो बहुत अच्छी मॉर्निंग है फिलहाल। और हम लोग आए हैं घूमने के लिए, सुबह सुबह टहलने आए हैं मतलब, तो यहाँ पर टहल रहे हैं। और जो भी होगा आपको पूरा दिखाएंगे। और हम लोगों के ब्लॉग देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारा चैनल है यही यूट्यूब पर, क्वीन वैष्णवी FSM, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? बहुत बहुत थैंक यू। सो गाइज, बहुत से लोग ये पूछ रहे थे, बहुत से लोगों की कमेंट आई है, तो हम सबकी कमेंट का आंसर देंगे। तुम लोग बार बार यही लिख रहे हो कि माता पिता को दुखी रख के तुम खुश नहीं रहोगे, तो मैं उन सबसे कह दूँ भैया हमने माता पिता दुखी ना ही करे हैं, तुम जाके बेला चले जाओ, मेरे घर चले जाओ, बेला जाके पूछ लो, माता पिता कोई दुखी नहीं है, दोनों घर पर हैं, इस टाइम मिल जाएंगे तुम्हें, अभी पहुँच गए घर, तो घर पर दोनों हैं, तुम्हें आंसर भी मिलेगा, सब लोग मिलेंगे, मैं भी जाऊँगी एक आध दिन में। तो फिलहाल तुम लोग जाके देख लो, घर पर कोई दुखी नहीं करा है, सब की मर्जी शादी हुई है। और लोकेश को 2 साल से, हमारा और लोकेश का 2 साल से चल रहा था, जो भी चल रहा था, है ना, 2 साल पहले शादी तय हो गई थी हम लोगों की, 2 साल पहले पापा ने खुद किनने करी थी, अच्छा सच बताओ, पापा ने बोला, पापा से बात की थी, मैं पापा भाई है, हाँ पापा ने खुद बोली थी, पापा ने की थी कि शादी करा देंगे दोनों की, तो पापा ने खुद तय करी हम लोगों की शादी, हम लोगों की अरेंज ही थी, उसके बाद हमने उसको लव में कन्वर्ट कराया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग यार ऐसा समझ रहे हो। आई क्या बोलूँ तुम लोगों को, मैं इतनी गलत कमेंट आ रहा है, खास करके लड़कियाँ ज़्यादा गलत कमेंट कर रही हैं, भैया लोग हमारे कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है लड़कियों को जलन होती है एक ना एक दूसरे, लेकिन हाँ बहुत सी लड़कियाँ ये भी कह रही हैं कि जीजा जी बहुत अच्छे हैं, इतने सपोर्टर हैं, और मतलब अच्छा लगता है ये जी सपोर्ट करते हैं। तो गाइस, बहुत से लोग तो ये भी लिख रहे हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। एक लोग कह रहा है तुम्हारे माता पिता ने तुमसे वीडियो बनवाई इसलिए तू बिगड़ गई, ऐसा कुछ नहीं, वीडियो बनाने से बिगड़ जाते हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा कहे को कुछ नहीं। सो गाइस देखो, अभी टैलेंट आया तो फोन कितना हिला रहे हो, फोन सीधे रखो, वैसे देखो। सो गाइस, मैं मोटी पर रही बहुत है, मोटी भी रहेंगी बहुत, सही कहे को, मैं ज्यादा खुश हूँ, सही तो पेट खाए पी रही हूँ ज्यादा, मैं बहुत मोटी बनेंगी, देखो बॉडी बिल्डर बन जाऊंगी एक दिन, ऐसा आए सही है।
सो गाइस बहुत से लोगों का ये भी कहना था है ना, तो कि वीडियो बनाने से वीडियो बनवाया माता पिता ने इतनी छूट दी ये वो, तो तू बिगड़ गई, तूने ये बोलिया। कल को बधाई जिले का कोई भी माता पिता अपनी लड़की को छूट नहीं देगा इस चीज़ को देख के। भैया सब माता पिता छूट देंगे, हमने कुछ गलत थोड़ी ना करो है, जा तो बताओ हमने गलत क्या करो है जो तुम लोग बोल रहे हो कि माता पिता छूट नहीं देंगे ये है वो है। अरे हर घर में छूट देते हैं, तुम्हारे कुछ तुम लोगों की छोटी सोच वाले छूट ना दें, लेकिन बहुत से देंगे। लेकिन भैया आप लोग ये बता दो आज कमेंट करके कौन कौन हमारे साथ में है, कौन कौन हमारे साथ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग गलत कमेंट कर रहे हैं अभी भी। पहले तो तुम लोग करते ही थे, पहले मैं ठीक थी कौन सा तुम अच्छी कमेंट करते थे, आज मेरी शादी होगी फिर भी तुम गलत कमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोगों की वीडियो भी बड़े चैनल पे आएगी, यूट्यूब चैनल पे एक दो दिन में शूट हम लोग करेंगे और बड़े चैनल पे वीडियो आएगी, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन कृपा करके आप लोग ऐसा ना लिखें वीडियोस पर, हमें अच्छा नहीं लगता। हम लोग कमेंट्स देखते हैं, कमेंट्स देख के बहुत बुरा लगता है, मतलब बहुत गिल्टी फील होता है, जो लगता है कि मतलब क्या है कुछ ना, मतलब अच्छा नहीं लगता। तुम लोग समझा करो, फिलहाल मैं बहुत काली हो चुकी हूँ, काली हुई है, रंग आएगा मुँह पर जो कपड़ा को। सो गाइस तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं, टहलने आए थे, हमने सोचा लाओ थोड़ी देर आपसे बात कर लें, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का है ना। कहाँ को? उत्तराखंड का ऐसा ही होता है। उत्तराखंड में देखो मौसम कितना बढ़िया है बाहर, हम लोग टहल रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा एक गाना सुना दो और मैं सुनाई हूँ। मैं तू कहा आतो है जो लोग इतनी ऑडियंस तुमसे पूछ रही है, तुम कहा आतो कती अकल लाम की चीज नहीं है इनको है ना। गाना सुना, चलो एक अच्छा एक गाना सुना दो। मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे हम तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे दो ये सौगात तुम तो जमाने की, हम दो ये सौगात तुम तो जमाने की, हम हर खुशी से मुकर जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो गाना अच्छा लगा ना, मैंने लोगों को अच्छा लगा, बहुत से लिखेंगे ऐसे तो हमारी पड़िया रेंक लेती है, बहुत से जाए लिखेंगे हमका पत्त हुआ है भैया, हाँ पसंद ना करिए बहुत से भैया लोग। कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा है ना। गाइस मेरी मेहंदी अभी तक नहीं छुटी है, देखो हाथ हो गई छुट जाएगी जल्दी है। बहुत सारा प्यार है ना चुटी, इनके हाथ में लगी हुई सुना चुटी अभी तक। सो आप लोगों को, आप लोग बहुत से बोल रहे थे कि तुम्हारी शादी धूमधाम से होती, हम लोग देखते तुम्हारी शादी को, चिंता ना करो एक साल बाद सब होगा, फरवरी में सब होगा, फरवरी में रिसेप्शन करेंगे, मतलब सही से हो अब, मतलब थोड़ी अब जाओ भैया, बहुत से लोग लिख रहे हैं। अभी मैं टहल रहे हैं और आप लोग बताओ कि आप लोग सुबह को टहलते हो नहीं टहलते हो? गांव में तो पता हो तुम्हारे सुबह रे गोबर डालने पत्तो है, अब जब भैया शहर में कहा करा तब तक हम सोच रहा टहलने थोड़ा बहुत ना टहल। हेलो फ्रेंड्स, बहुत से भैया लोग जब बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी धूमधाम से ना भाई ऐसे ना भाई वैसा, एक बाप पर तुम्हें पता है पैसा कहाँ से लाता है बाप शादी करने के लिए, कर्जा लेता है किसी से कहीं कुछ करता है, और देखना 100% 100 लोगों में 99 लोग ऐसे होंगे जो कर्जा लेके अपनी लड़की की शादी करते हैं, किसी को पूरी तरीके से नहीं करते, बहुत ज़्यादा ऊंची फैमिली के लोग होते हैं तो वो शादी सही से कर लेते हैं। लेकिन मेरे पतिदेव को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, इसलिए इन्होंने, क्योंकि इनके खुद की कोई सिस्टर नहीं है, घर में कोई सिस्टर नहीं है, ठीक है, और मम्मी है मेरी, मेरी मम्मी मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा समझती है, मेरे पापा भी मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा समझते हैं, मतलब बता रही हूँ इनकी फैमिली मुझे अपना लड़की ही समझती है। इन्होंने मेरी फैमिली की सब कुछ देखते हुए ये फैसला लिया कि हम लोग ऐसे ही मंदिर में शादी करेंगे है ना।
मंदिर में कोई खराब चीज नहीं है, मंदिर में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी इतनी हैसियत नहीं थी, हमारे मतलब पापा की और मतलब सबकी, हम लोगों की भी इतनी हैसियत नहीं भैया, तुम्हें पता हो गाँव में कैसी जिंदगी होती है इंसान की, तो गाँव में इतनी हैसियत नहीं भैया कि हमारी शादी धूमधाम से हो। अब हम लोगों की अगर हो जाएगी, तुम लोग सपोर्ट करोगे तो फरवरी तक हम लोगों की इतनी हैसियत हो जाएगी हम लोग कर सकें कुछ, है ना, खुद को तो तुम लोगों को बुलाएंगे, चिंता ना करियो भैया, लेकिन आप लोग परेशानी समझो, हम लोगों को बहुत परेशानी है सच में, वरना शादी बहुत धूमधाम से होती हम लोगों की। हम पापा के इलाज में बहुत पैसे लग गए थे, पैसे घर में थे नहीं बिल्कुल भी, इसलिए मंदिर में शादी करना पड़ी। और बाहू में तो सस्ती ना है भैया, मंदिर में 5 से 10 हज़ार खर्चे गए तो शादी भैया ठीक है, लेकिन फिलहाल आप लोग सपोर्ट करो और हम लोग फरवरी में फंक्शन करेंगे, सबको बुलाएंगे जो जो ज़्यादा सपोर्ट करेगा, कमेंट करो करो भर भर के, थैंक यू। तो देखो मेरी बॉडी बन रही है, घर आई जो बॉडी, अब बॉडी बन गई मेरी, अब बाजा वो कबड्डी 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 कबड्डी, अब भैया कबड्डी खेलेंगे, ये अब मेरी बॉडी बन रही भैया देख लो भैया, लड़ा लड़ाई मत करियो कोई, हाँ कह दे रही हूँ मैं, अगर मेरे पतिदेव से कहूँ लड़ाई करी तो मैं हाँ बॉडी लेके आ जाऊँगी, बॉडी लेके मेरे पतिदेव से बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग गलत कमेंट कर रहे हैं मेरे पतिदेव के लिए, गलत मत बोलना, बस मैं कह दे रही हूँ, वरना बॉडी बना ली फिर मैंने, समझे रही हो, जिन वालों कम पड़ जाएगा बॉडी में, क्या दे रही हूँ। वैसे आपको मैं एक बात बताऊँ, देखो जब मैं पहले वीडियो बनाती थी तो माँ कह रही थक जाओ करती कि मैं कहाँ लो फोन को पकड़ा हूँ ब्लॉगिंग करते करते, अब मेरे लिए एक स्टैंड मिल रहा है, तो गाइस अब मेरे हस्बैंड हैं ये फोन को पकड़ लेते हैं तो मेरा हाथ थोड़ा मतलब काम कर जाता है, वरना मैं ब्लॉगिंग में अपने आप फोन पकड़ के पूरे दिन ब्लॉगिंग करो करती, सही है। अब मेरे तुम्हें कैसे लग रहे हैं तुम बताना कमेंट में सब लोग, और अब भी पता है ये फोन पकड़ लेते हैं थोड़ा हाथ में ना शांति मिल जाती है, मैं तो पूरी ब्लॉगिंग समझो 15 मिनट की फोन पकड़ के करो करती हूँ, जब तुम्हें कुछ बोलने तो बोल दे, क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे बताओ ना, चैनल को सब्सक्राइब ना करते हैं तो बोल रहे हैं, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करते ना, तुम लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो करो प्लीज भैया, लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो हम लोग अच्छा नहीं लगता, चैनल सब्सक्राइब करो करो ठीक है, अच्छी के लिए पूरी बड़ा बढ़ा लो के लिए, तो वो सर में इतनी बिजली मच रही है बहुत ज़्यादा, तो देखो भैया तो हमारा फोन इस टाइम ऊपर है बहुत, हमसे बहुत ऊपर ना उतना ही पकड़े रहा ना है, इतनी इतनी यार वो मत बनाओ यार, जो बहुत अच्छे हैं सच्ची बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मतलब जो मैं बात कहती हूँ जो तुरंत ही मान जाते हैं उस बात को, अच्छे इंसान हो है, अच्छे इंसान हो जाए, तुम अच्छे इंसान क्यों हो जी बताओ मेरी पहले, अच्छे इंसान कहाँ है आप सब गलत बताते हैं, देख ना रहे कमेंट में बोलते हैं, हाँ कमेंट में तो गलत बोलना है, चलो बोलन दो कोई बात ना, बेहू तुम्हारे सब अपने ही है, कमेंट में भैया जो अच्छा बोलना है बेहू हमारे अपने हैं, और जो गलत बोलना है बेहू हमारे अपने, लेकिन हाँ जब बता दियो हमारा ब्लॉग कहाँ कहाँ लोग पहुँच रहे हो, कहाँ कमेंट बता दिया करो, हाँ कमेंट में तुम लोग बता करो, हम तो लोग जिला, अरे हाँ कुछ लोग पता है क्या पूछ रहे थे, जी क्लिप बंद करो